Hey guys, welcome back to another day, another video with Royal Enfield Hunter 350. Hunter 350 में आज हम बात करेंगे गाइस सेफ्टी फीचर्स की, क्योंकि कल रात ही मेरा ताज़ा एक एक्सीडेंट हुआ है, छोटा सा माइनर सा, जिससे हंटर 350 ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बचाया है गाइस। माइनर सा एक्सीडेंट हुआ, रोड पे कट था, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कट था और मैंने काट दी। आगे से भी रॉयल एनफील्ड की बाइक थी, हम दोनों भिड़ गए और वो तो नहीं गिरा, मैं गिर गया, मेरे लगी नहीं। और बस बाइक में थोड़ी सी दिक्कत आई है, अगला जो फ्रंट ब्रेक है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, वो ठीक हो जाएगा। और तो कुछ नहीं, बाइक ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे बचाया है गाइस, हंटर 350। तो गाइस वो जो पीछे से बाइक ले गया ना, वो स्पाइडी फैक्ट्स वाला था, स्पाइडी फैक्ट्स को मैं ढूंढता हूँ। बाइक तो मैं ले आया उससे, वीडियो में टाइम वेस्ट करके चला गया, कोई बात नहीं, उसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो हम क्या बात कर रहे थे गाइस, हम बात कर रहे थे सेफ्टी फीचर्स की। जो हंटर 350 की बॉडी है, जो इसका बल्कि लुक है, इसने कल बहुत बड़ी रक्षा करी। साइड में जो गार्ड है इसका, वो मुड़ा तक नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको, थोड़े मोटे स्क्रैचेस आए हैं बस, मुड़ तो गया है पर ज़्यादा नहीं मुड़ा है, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं, ये जो अगली ब्रेक है इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि कहीं ज़्यादा ना टूट जाए, यहाँ से माइनर सी मुड़ गई है, ये सही करवा लेंगे गाइस, ये उन्हीं से सही करवाएंगे। अभी सर्विस भी आने वाली है 10,000 किलोमीटर पर, इसकी चौथी सर्विस है, वो भी होगी। सो दैट्स इट गाइस, ये है रॉयल एनफील्ड हंटर 350, जिसने कल रात मुझे बचाया। और गाइस क्या बताऊँ मैं आपको, इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा, रेगुलर नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे कॉलेज में काफ़ी कुछ चल रहा है, दैट्स वाई। और मेरे पेपर भी आने वाले हैं, अब तो सिर्फ नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे, वो डेली मैं डाल दूंगा, एग्ज़ाम टाइम में डेली व्लॉग डाल दूंगा मैं, कोई बात नहीं। और क्या बात करूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कल क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ से नुकसान हुआ है बाइक का, वट एवर यू विल सी। हाँ जी, तो गाइस पहली चीज जो बाइक में लगी है, मतलब जो गिरने के बाद हुआ है, वो है ब्रेक का नुकसान, ब्रेक मुड़ गई थोड़ी सी। और फिर नीचे आ जाते हैं अपन साइलेंसर पे, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे महसूस हुआ, मुझे भी बहुत ज़्यादा लग गई, ये तो अच्छा है, कुछ साइलेंसर में छेद वगैरह नहीं हुआ। ये पीछे है, एग्जॉस्ट पे लग गई, क्योंकि इस साइड गिरा था ना बाइक, स्क्रैचेस गार्ड पे आ गए, गार्ड ज़्यादा मुड़ा नहीं, थोड़ा सा ही मुड़ा है। अब डिफरेंस दिखाऊं कैसे, पता चलेगा ऐसे भी नहीं चलेगा पता, क्योंकि माइनर सा ही मुड़ा है, बिल्कुल पता चल नहीं रहा है। आप इधर से नोटिस कर लेना कितना गैप है और इधर से कितना गैप है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा ही मुड़ा है, काफ़ी हद तक बच गया। और मेरे तो बिल्कुल खरोच भी नहीं आई, मैं तो गिरा और बिल्कुल साइड में हो गया था। लुक वाइज तो बहुत खतरनाक बाइक है गाइस, देखो हेलमेट और इधर कर देता हूँ मैं, हेलमेट भी देख लो, कस्टमाइज्ड हेलमेट देखो गाइस, ठीक है गाइस। तो छोटी सी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हंटर 350 के बारे में किसी को कुछ भी जानना हो तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दे, आई विल लेट यू नो गाइस एवरीथिंग अबाउट दिस बाइक। ओके गाइस, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल गाइस। ओके सब्सक्राइब।